अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी मुर्गियों को सर्दी का मुकाबला करने के लिए किस तरह से तैयार करना है, ताकि सर्दियों में मुर्गियों की जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी हो और अगर मुर्गियां अंडे देती हैं तो इनकी अंडों की प्रोडक्शन भी कमी ना आए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हमें सर्दियों के मौसम में अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाने चाहिए, ताकि खुराक के अच्छे तरीके से तोड़फोड़ हो, खुराक ठीक तरीके से हजम हो, मुर्गियों की इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़त भी बेहतरीन रहे और मुर्गियाँ सर्दी के तनाव का शिकार भी ना हों। क्योंकि अगर मुर्गियाँ अपने अजसाम में ठंडक महसूस करेंगी तो मुर्गियाँ तनाव का शिकार भी होंगी, अंडों की पैदावार भी मुतासर होगी और जिस्मानी नशोनुमा भी ठीक नहीं रहेगी। आज की वीडियो में इसी हवाले से आपके लिए जो है वो बहुत मददगार होगी, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। मुर्गियों को सर्दी से बचाने के लिए हमें मुर्गियों को कोई ना कोई विटामिन लाजमी इस्तेमाल करवाने चाहिए। मुर्गियाँ खुराक से भी विटामिन हासिल करती हैं और घरेलू अजनास से भी। जब मुर्गियों को मयारी खुराक नहीं मिलती या जो खुराक हम मुर्गियों को देते हैं इसमें हमें पता नहीं होता कि कितनी गजाइत मौजूद है, जिस वजह से मुर्गियों को विटामिन्स इतनी मिकदार में हासिल नहीं होते जितने कि मुर्गियों को बेहतरीन पैदावार देने के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए मुर्गियों की खुराक में शामिल करके या पानी में हल करके कोई ना कोई मल्टी विटामिन्स मुर्गियों को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। आपने घर में चंद मुर्गियां रखी हैं या आपने पोल्ट्री फार्म बनाया है, दोनों सूरतों में मल्टीविटामिन्स का जरिया आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने घर में मुर्गियां रखी हैं तो वो कौन सी घरेलू चीजें हैं जो कि आप मुर्गियों को खिलाकर इनकी मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, या आपने पोल्ट्री फार्म बनाया है तो वो कौन से तैयारशुदा मल्टीविटामिन्स हैं जो कि करीबी वेटनरी स्टोर से आसानी दस्तयाब होते हैं। घरों में रखी हुई चंद मुर्गियों की सेहत की खराबी की सबसे बड़ी वजह इनमें मादनियात यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, और इसका हल ये होता है कि आप मुर्गियों को ऐसी खुराक खाने के लिए दें जिसमें दरकार विटामिन्स और दूसरे गजाई अज्जा भी शामिल हों। अगर खुराक में किसी एक विटामिन की भी कमी हुई तो ये मुर्गियों की सेहत मुतासिर करने के लिए काफी होता है। बाजुकात मुर्गियां विटामिन्स की कमी की वजह से मौत का शिकार भी हो जाती हैं, जबकि इनमें कोई ऐसी अलामत भी दिखाई नहीं दे रही होती जो किसी बीमारी की निशानदही कर रही हों। सेब का सिरका, मोरिंगा, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी, लहसुन, दही, अंडे, टमाटर, मछली वगैरह मुर्गियों को खिलाने से मुर्गियों में विटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। और अगर आप तैयारशुदा मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाना चाहें तो इस मकसद के लिए विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सिमेंस कंपनी के तैयार करता है, इसके अलावा साइमोस्ट्रेस, साइमोडेक, विटासोल सुपर, विटाग्रो मुर्गियों की अच्छी सेहत के लिए उनको इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंसानी मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होने वाली पैकिंग जिनमें वाइडालीन, लाइजोविट, इंटिक डी वगैरह शामिल है, ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनकी डोज भी आपके साथ शेयर करता चलूं। अगर आप सिमेंस कंपनी का विटामिन्स इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। इनकी डोज 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 ग्राम मल्टीविटामिन पाउडर 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके रोजाना 8 घंटों के लिए लगातार 5 दिनों तक मुर्गियों को पीने के लिए देंगे। मुर्गियाँ अपने अजसाम में भी विटामिन्स खुद तैयार करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो मुर्गियाँ खुद तैयार नहीं कर सकती, इसलिए वो हमें अलहदा से पानी में या खुराक में शामिल करके देने पड़ते हैं ताकि मुर्गियों की बेहतरीन नशो हो सके। इसलिए मुर्गियों की किसी भी उम्र की आपके पास मौजूद हो, मुर्गियों की उम्र के किसी भी हिस्से पे मुर्गियों को विटामिन्स इस्तेमाल करवाना जो है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। आपके पास चूजे मौजूद हैं या दरमियाने उम्र की मुर्गियां, पट्ठे पट्ठियां मौजूद हैं या अंडे देने वाली मुर्गियां मौजूद हैं, इन्हें रोजाना ताकत की फराहमी के लिए मल्टीविटामिन्स लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जिन मुर्गियों में विटामिन ए और डी की कमी होती है इनकी अंडों की प्रोडक्शन रोजाना की बुनियाद पर कम होती जाती है और जो अंडे आते हैं इनका छिलका कमजोर होने लगता है। मुर्गियां कच्चे अंडे दे रही होती हैं यानी कि छिलके के बगैर अंडे दे रही होती हैं। सर्दियों के मौसम में चूजों की अच्छी नशोनुमा और सर्दी का मुकाबला करने के लिए इन विटामिन्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी वजह से मुर्गियों में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम नहीं करता, जिससे नशोनुमा भी ठीक नहीं होती। विटामिन K की कमी हो तो खून की कमी होने लगती है, कलगी की रंगत तब्दील होने लगती है, मुर्गियां सोकड़े का शिकार होने लगती हैं। अगर विटामिन A की कमी हो जाए तो अफजाइश नस्ल मुतासर होती है, अंडों से जो चूज़े निकलेंगे वो कमज़ोर होंगे, डी ग्रेड चूज़े हासिल होंगे जिनके टांगें टेढ़ी होंगी या उनके जो साइज छोटा होगा। विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं,
ढांचा कमजोर होने लगता है, अंडों की मकदार मुतासर होने लगती है, वजन गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए वाइटामिन डी की फराहमी बहुत जरूरी होती है। मुर्गियां सूरज की रोशनी से भी वाइटामिन डी हासिल करती हैं। इस मकसद के लिए आप मुर्गियों को दिन के कुछ ना कुछ हिस्से में बाहर खुली जगह पर जरूर छोड़ा करें ताकि मुर्गियां सूरज की रोशनी से वाइटामिन डी हासिल कर सकें। अगर आप तैयारशुदा पैकिंग में वाइटामिन डी फ्राहम करना चाहें तो इस मकसद के लिए इंटिक डी का इस्तेमाल अच्छे रिजल्ट देता है। इसकी डोज भी आपके साथ शेयर करता चलूं। आपने इसकी डोज जो है वो 2 cc 1 लीटर के हिसाब से जो है वो रखनी है, यानी कि 2 cc जो है वो इंटिक डी सिरप और 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके मुर्गियों को 8 घंटों के लिए पीने के लिए देंगे। आजकल मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, इसलिए मुर्गियों की नशोनुमा भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए कोई ना कोई मल्टी वाइटामिन मुर्गियों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं ताकि इनके अजसाम से इन जरूरी वाइटामिन की कमी ना हो। अगर आप साइमोस्ट्रेस को बीमारी या मौसमी तनाव या दबाव की सूरत में इस्तेमाल करवाएं तो इसकी डोज 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से रखेंगे और इस्तेमाल करवाना हो रखेंगे। और अगर एहतियात के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहें या पैदावार को मुस्तकिल रखने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो साइमोस्ट्रेस की डोज 1 ग्राम 8 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 ग्राम साइमोस्ट्रेस पाउडर 8 लीटर पानी में शामिल करके रोजाना 8 घंटों के लिए लगातार 5 दिनों तक मुर्गियों को पीने के लिए देंगे। अगर मुर्गियों की हालत ज्यादा खराब हो तो साइमोस्ट्रेस का इस्तेमाल 10 दिनों तक जारी रखें। पाउडर को सूरज की रोशनी नमी से बचाएं, खुश्क जगह पर स्टोर करें जहां दर्जा हरारत 25 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान हो। अगर किसी वजह से पाउडर जमी हुई हालत में हो तो इसका मतलब होगा कि पाउडर खराब हो चुका है और अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। आप जो भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें इसे खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। अगर पैकिंग खुली हुई हो या एक्सपायर हो तो इसे तो ऐसे मल्टीविटामिन हरगिज ना खरीदें। आपके पास मौजूद मुर्गियां अगर 1 लीटर से ज्यादा पानी पीती हैं तो 10 दिन की कैलकुलेशन कर लें, फिर इस हिसाब से विटामिन की छोटी या बड़ी पैकिंग खरीदें। साइमोस्ट्रेस में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी और फॉलिक एसिड और कैल्शियम शामिल होता है। और अगर आप साइमोडेक इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी मुर्गियों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसमें भी विटामिन ए, D3, ई और विटामिन के शामिल होते हैं। अगर आप एहतियात के तौर पे इसे इस्तेमाल करें तो इसकी डोज 1 ग्राम साइमोडेक पाउडर 2 लीटर पानी में शामिल करके मुर्गियों को रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों के लिए पीने के लिए देंगे। पानी के 2 हिस्से बनाएं, 4-4 घंटों के 2 हिस्से बनाएं, क्योंकि सर्दी की वजह से पानी जल्दी ठंडा हो जाता है जिसे मुर्गियां दिलचस्पी से नहीं पीती। इसलिए अगर आप पानी के 2 हिस्से बनाएंगे तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा और मुर्गियां शौक से मल्टी विटामिन वाला पानी पिएंगी और मुर्गियों के जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होगी। वैक्सीन करें जब भी आप, तो इसके बाद आप वैक्सीन का स्ट्रेस को कम करने के लिए अगले पानी में मल्टी विटामिन लाजमी इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि वैक्सीन के स्ट्रेस से जो है वो मुर्गियों को या चूजों को निकालना बहुत जरूरी होता है। इस मकसद के लिए आप जब भी कोई भी वैक्सीन करें तो इसके फौरन बाद अगला पानी आप मल्टीविटामिन वाला इस्तेमाल करवाया करें। चाहे आप कोई भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप सिमंस कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप दूसरे इंसानी मेडिकल स्टोर से मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये थी आज की वीडियो जी, मुर्गियों को सर्दियों में जो है वो मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाने के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।